तो गाइस पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आपने जो है 12 के प्राइस नहीं बताया है, तो आज हम आपसे ना 12 से स्टार्ट करते हैं कि आईफोन 12 जो 128 GB इसका क्या प्राइस होगा भाई जान। अभी हम बात करते हैं जो ये प्राइस आप बता रहे हैं विद टैक्स है या विदाउट टैक्स? ये विद टैक्स है, 5% VAT लाजिम है, ये उसमें इंक्लूड है। ओके, ये विद टैक्स के साथ जो है गाइस प्राइस बता रहे हैं आपको। और ये कौन सा वेरियंट है? ये US वर्जन है, सब NLA है। हाँ। US वर्जन विद पेस्ट टाइम। जो USA है, TRA और हांगकांग है, इसमें प्राइस का कितना फर्क होगा? फर्क। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ गरगा सेंटर, और आज की इस वीडियो में गाइस मैं लेके जाने वाला हूँ आपको, आप मेरे पीछे चेक कर सकते हैं, ग्रैंड प्रॉमिस इस वाली शॉप में। और पिछली वाली वीडियो भी मैंने इस शॉप में बनाई थी जिसमें कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो है कि मैंने उसमें ना आईफोन 12 के प्राइस नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में आईफोन 12, 13 और 14 सबके प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं गाइस, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस शॉप में चलते हैं और यहां पे जो है अपडेट प्राइस पता कर लेते हैं आईफोन के क्या चल रहे हैं। गाइस अभी मैं शॉप में आ चुका हूं और यहां पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पीछे आज के जो प्राइस होने वाले गाइस आईफोन 12 सीरीज और आईफोन 13 सीरीज और आईफोन 14 सीरीज के। और यहाँ पे जो है सैमसंग के भी फ़ोन है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आज के जो प्राइस होने वाले हैं 12, 13 और 14, इन सब के प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये शॉप का लोकेशन कहाँ पे भैया? ये है गरगा सेंटर। हाँ। सब का बस स्टेशन पे। ओके, ये डेरा दुबई में पड़ता है गाइस। अगर आप यहाँ पे आते हो तो बस से आते हो तो सबका बस स्टेशन उतरने हैं, और अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो बनियास मेट्रो स्टेशन में आपको उतरना है, वहाँ से मतलब 5 मिनट का पैदल है, वहाँ पे आप आ जाओगे गरगा सेंटर में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या अपडेट प्राइस है आईफोन के। और आज की इस वीडियो में गाइस मेरे साथ है फिर से अमजाद भाई। कैसे हो अमजाद भाई? क्या पंकज भाई, ठीक है, बढ़िया। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आपने जो है 12 के प्राइस नहीं बताया है, तो आज हम आपसे ना 12 से स्टार्ट करते हैं कि आईफोन 12 जो 128 GB इसका क्या प्राइस होगा भाई जान? ये पंकज भाई आईफोन 12 है, 128 GB है जी, इसमें भी शॉप वारंटी है 6 मंथ्स, ये एक्टिव है। ओके, पिछले वीडियो में मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये रिफर्बिश है या ये है वो है। ओके, ये ओरिजिनल माल है, बिल्कुल वाटर प्रूफ है, एक साल वारंटी के साथ है, सही है, 6 मंथ्स वारंटी के साथ, 6 मंथ शॉप वारंटी है ना, 6 मंथ शॉप वारंटी है। ओके, सही है, बाकी जितना भी है 12 के बाद, 12 प्रो मैक्स हो गया, 13 हो गया, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, ये सब नॉन एक्टिव है, उसका एप्पल 1 ईयर वारंटी है। ओके, इसका प्राइस मिल जाएगा सर 2150 दिरहम का, 128 GB। ओके, नॉन एक्टिव, नॉन नहीं, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है गाइस, इसके साथ 6 मंथ की आपको वारंटी जो है शॉप वारंटी मिलती है। हाँ जी। ओके, और इसके बाद है फिर इसमें 64 GB आता है, 64 GB आपको मिल जाएगा 1970 दिरहम का। ओके, हाँ जी। और अभी इसका दूसरा जीबी 512 इसमें नहीं है, इसमें 128 GB है और 64 GB है। ओके, तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम 12 प्रो की तरफ, और 12 प्रो का 128 GB का क्या प्राइस होगा भाई सर? 12 प्रो 128 GB आपके लिए मिल जाएगा 2450 दिरहम का, नॉन एक्टिव विद 1 ईयर वारंटी। ओके, और इसका 256 GB? 256 GB मिल जाएगा 2600। ओके, और 512? 512 तो अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन कॉस्ट उसका 2900 समथिंग है। ओके, तो ये नॉन एक्टिव के प्राइस बता रहे गाइस जो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स है, इसके साथ आपको 1 ईयर की इंटरनेशनल एप्पल वारंटी मिलती है। तो अब चलते हैं हम आईफोन 12 प्रो मैक्स की तरफ, और 12 प्रो मैक्स जो 128 GB का प्राइस क्या रहेगा? 12 प्रो मैक्स 128 GB सर आपको मिल जाएगा 3200 128 GB का, और 256 GB मिल जाएगा 3450 दिरहम का। ओके, इसमें फिर है 512 GB इधर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। इसका मिल जाएगा 3700 दिरहम। ओके, तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम यहाँ पे 13 सीरीज की तरफ, 12 के प्राइस हो गए थे, आप लोगों ने कमेंट बहुत किए थे कि 12 के प्राइस बताना, वो मैंने आपको बता दिया जिनके भी भाई को कमेंट आए थे। तो आज जो आईफोन 13 128 GB है उसका क्या प्राइस होगा भैया? 13 128 GB 2550। ओके, पिछले वीडियो में 2600 बताया था, इसमें 2550, क्योंकि इसका प्राइस टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। ओके, और इसका 256 GB का प्राइस? वो 2800। ओके, और 512 3100।
ओके तो चलिए गाइस 13 का हो गया, अभी 13 प्रो का प्राइस पता कर लेते हैं। और 13 प्रो का क्या प्राइस रहेगा भाईजान? 128 प्रो 128 जीबी मिल जाएगा 3300 जी, 256 जीबी मिल जाएगा 3450 दरम, और 512 जीबी 3600 मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं जो ये प्राइस आप बता रहे हैं विद टैक्स है या विदाउट टैक्स? ये विद टैक्स है, 5% VAT लाजिम है, ये उसमें इंक्लूड है। ओके ये विद टैक्स के साथ जो है गाइस प्राइस बता रहे हैं आपको। और ये कौन सा वेरिएंट है? ये यूएस वर्जन है, सब एनएलए है, यूएस वर्जन विद पेस्ट टाइम। जो यूएसए है, टीआरए और हांगकांग है, इसमें प्राइस का कितना फर्क होगा? फर्क होगा तकरीबन डबल सिम कार्ड और सिंगल सिम कार्ड में 200-250 दरम फर्क। ओके जिसमें डबल सिम है हांगकांग में उसका 200 ज्यादा प्राइस है, 200-250 दरम ज्यादा। और यूएसए का प्राइस? यूएसए वही प्राइस है जो सेम प्राइस, बाकी सारे सेम प्राइस है गाइस। जो हांगकांग है ना डबल सिम वाला, उसमें 200 दरम तक ज्यादा प्राइस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और जो आज के प्राइस सारे हो रहे हैं ये यूएस वर्जन के हो रहे हैं। और 14 में हम बात करेंगे कि यूएस में जो है ई सिम आ रहा है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन अभी जानते हैं हम प्राइस आईफोन 13 प्रो का, 13 प्रो 128 का क्या प्राइस होगा? बता दिया है 13 प्रो मैक्स रहेगा। ओके अभी 13 प्रो मैक्स का क्या प्राइस रहेगा भाई जान? 13 प्रो मैक्स 128 जीबी मिल जाएगा 3600 जी, 256 जीबी मिल जाएगा 3950 दरम, ओके 512 जीबी 4200। ओके और इसका 1 TB? 1 TB 4500। ओके तो गाइस प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे प्राइस आपको मिल रहे हैं। और इनका जो है इंस्टाग्राम आईडी भी मैं दे दूंगा, और मेरे को भी जरूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे से कुछ भी बात करना चाहते हो। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 14 सीरीज की। और 14 सीरीज में गाइस यहाँ पे कलर आपको सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो है 14 और 14 प्लस जो है वो अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। ओके उन सब के भी प्राइस हम पता कर लेते हैं। और आज जो बताएंगे ना ये आप यूएसए का प्राइस बताओगे? नहीं ये हांगकांग है डबल सिम कार्ड का, यूएसए असल में मार्केट में भी नहीं चलता है। हाँ उसका मेन वजह वही ई सिम कार्ड का है। ओके जो फिजिकल सिम कार्ड नहीं लगता है, ई सिम कार्ड लगता है, इस वजह से उसकी सेल कम हो गई है। कम हो गई। तो चलिए गाइस जो 14 है ना ये हांगकांग वर्जन का प्राइस आपको बता रहे हैं, डबल सिम वाला ये। तो जो आपके पास आईफोन 14 है ना उसका क्या प्राइस होगा? 128 जीबी मिल जाएगा 3150 दिरहम, ओके 256 जीबी मिल जाएगा 3300 जी, और 512 जीबी मिल जाएगा 3700 दिरहम। ओके तो 14 के प्राइस हो गए गाइस। अभी जानते हैं हम 14 प्लस जो अभी आया मार्केट में उसका क्या प्राइस होगा? 14 प्लस का अभी तक स्टॉक है मार्केट में लेकिन ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है ना। ओके तो उसका प्राइस अभी बताने स्टेबल नहीं है। ओके तो चलिए गाइस अभी सीधा चलते हैं 14 प्रो की तरफ। 14 प्रो जो यहाँ पे है इसका 128 जीबी का क्या प्राइस रहेगा भाई? 14 प्रो 128 जीबी 4200, 14 प्रो 256 जीबी 4600 दरम, और 14 प्रो 512 जीबी 5400 दरम। ओके और इसका 1 TB? 1 TB 5900 दरम। ओके ये अगर जो प्राइस बता रहे हैं हांगकांग वर्जन के बता रहे हैं, डबल सिम इसमें आएगा आपका तो दिक्कत की बात नहीं, ई सिम इसमें नहीं यूज होता है। ओके तो अभी हम चलते हैं 14 प्रो मैक्स की तरफ। और 14 प्रो मैक्स जो 128 जीबी का क्या प्राइस रहेगा भाई जान? 14 प्रो मैक्स 128 जीबी 5300 दरम जी, 256 जीबी 5800 दरम जी, और 512 जीबी 6300, 1 TB 7200 दरम। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें सिर्फ पर्पल कलर जो है वो थोड़ा महंगा है, बाकी गोल्ड कलर और ब्लैक कलर वो सस्ता है, वो तकरीबन 200 से 300 दरम उसका फर्क है। okay. मतलब वो सस्ता है, डीप पर्पल कलर थोड़ा महंगा है, वही कलर ओनली 14 प्रो मैक्स में या 14 प्रो का भी? 14 प्रो और प्रो मैक्स दोनों में वही है। दोनों में जो डीप पर्पल कलर है ना उसकी डिमांड ज्यादा है, इस वजह से जो है उसका प्राइस है जो कितना दरम ज्यादा है? ये मिक्स में ज्यादा है, मिक्स में पर्पल का कलर प्राइस ज्यादा है, और बाकी जितने कलर है गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, उसका 300-400 दरम फर्क है। ओके तो यहाँ पे ना अगर आप आईफोन चाहिए आईफोन मिल जाएंगे, सैमसंग के फोन मिल जाएंगे, अगर आपको आईपैड मैकबुक वगैरह चाहिए ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एप्पल वॉच वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है तो जो अभी लेटेस्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा है ना उसका क्या प्राइस होगा अभी? वो 3600 में गाइस यहाँ पे आपको ना एप्पल वॉच अल्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना गाइस वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस सब फोन के प्राइस हमने आपको बता दिए हैं, और अगर आपको यहाँ पे आना है तो लोकेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शॉप की। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को मैसेज करना चाहते हो तो आप
कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और सब लोगों के जो है रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर मैसेज करना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो गाइस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सैमसंग के फ़ोन पे, वो वीडियो मैं इंडिया के 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा, और ये वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये शाम को 4:30 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।